खाना अच्छा नहीं लगा क्या? बोलो तो बाहर से तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूं मैं। राजा की तरह आराम से सो रहे। अरे भाई उठ जाओ, अटेंडेंस लगानी है सबकी। अरे कान भी बंद कर लिया क्या? अरे एक बार बोला ना तेरे को उठने के लिए। क्या हो गया दोनों को? अरे गार्ड इधर आओ जरा। क्या हुआ? अरे ये अंदर देखो तो, ये दोनों हिल ही नहीं रहे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? बड़ क्या होनी है, उठना नहीं चाहता और क्या। रुको इधर, मैं देखता हूँ। विजय कहाँ गया? खून, अमित के खून। सर ये है वो कोठरी जहां हमने विजय को और अमित को रखा था। सचिन किसी तेज हथियार से गला काटा है। सर ये तेज हार वाली चीज जेल में आई कहां से? जेल में स्टील के चम्मच वगैरह तो मिलते ही है, वैसे किसी चीज को अच्छे से तेज धार बना लिया। एक्सक्यूज मी सर। सर ये हमारे वार्डन राकेश। राकेश, राकेश एक बात बताओ, क्या इन लोगों के बीच में कोई आपसी दुश्मन था, कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं सर, मुझे हमेशा चुपचाप शांत रहता था। अच्छा जब ये सब हुआ तब यहाँ पर ड्यूटी पे कौन था? दो गार्ड्स थे सर। बुलाओ उन्हें। जी अभी बुलाओ। सर ये रहे वो दो गार्ड। तुम दोनों ड्यूटी पर थे, क्या हुआ यहाँ पर बताओ। सर जब मैं सारे सेल चेक करके गया तो विजय वहाँ चुपचाप पड़ा हुआ था, और अंदर जाकर देखा तो सब नाटक था, वहाँ था ही नहीं। इसका मतलब चेकिंग से पहले ही निकल गया। तुम लोगों की ड्यूटी कब चेंज होती है? ठीक शाम 8:30 बजे ड्यूटी चेंज होती है, और 10 मिनट का समय मिलता है पुराने गार्ड को निकलने के लिए और नए गार्ड को पोजीशन लेने के लिए। 10 मिनट का समय? जी सर। ना काफी है किसी भी चोर भाग में। सचिन फ्रेडी काम करो, सेल को अच्छी तरह से चेक करो, देखो देखो यहां पर कोई चोर रास्ता है क्या बाहर भागने के लिए। क्या सीढ़ी लेकर आओ, घुस जाओ इस तक, देखो कहां बाहर निकल पाए, संभाल के। ये है बाहर निकलने का रास्ता। हाँ सर, सर ये रास्ता सीधा टेरेस पे आता है सर। ओके सर। क्या मिला सर? मुझे इसी रास्ते से बाहर निकलते हैं। अच्छा, इस रास्ते से निकला है वो बाहर।
यहाँ पर खून भी है ताशा, उठाओ इस खून के सैंपल को। सर हाँ, खून के निशान तो यहाँ पे भी है, ये देखिए। ये देखिए सर, यहाँ पे भी। वहां तो जा रहा है, से भागा है वो, यहीं से। वो क्या है देखो तो, एक मिनट सर। सर ये तो कैदी की यूनिफॉर्म से सर। हाँ, इसका मतलब है विजय ने कपड़े यहां पर बदले, वो भाग गया। लेकिन सर उसके पास पहनने के लिए दूसरे कपड़े आए कहां से होंगे? फ्रेडी, जेल में कैदी को सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े दिए जाते, ये कपड़े, सिर्फ एक ही जोड़ी। ये मैं सोच रहा हूं कि अगर विजय ने ये कपड़े यहां पर बदले तो वो कौन से कपड़े पहनकर गया होगा, और किसने दिए होंगे उसे वो कपड़े? सर कपड़े छुपाने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जेल के एंट्रेंस पे कपड़े तो रखवा लिए जाते। एक काम करो, या जितने भी गार्ड्स ड्यूटी पर थे सबको बुलाओ। यस सर। फ्रेडी, ये विजय गार्ड का यूनिफॉर्म पहनकर भागा है। हाँ सर, 8:30 बजे के आसपास भागा है वो, और 8:30 बजे सभी गार्ड्स की ड्यूटी चेंज होती है। सर इसका मतलब है कि उसको भगाने में किसी गार्ड का भी हाथ है। हाँ, हो सकता है। तुम्हारी नाक के नीचे से कैदी यहां से भागा है, और हमें शक है कि उसकी मदद की है तुम लोगों ने, या तुम में से किसी एक ने। हमारा यूनिफॉर्म पहनकर भागा है, एक गार्ड का यूनिफॉर्म, समझे? हम में से कोई, पर हम ऐसा क्यों करेंगे? ये तो वही बताएगा जिसने ये किया है। देखो, अपराधी का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना कि अपराध करने वाला। जिसने भी उसे यूनिफॉर्म दिया खुद बाहर आए, फिर हमें बाहर निकालना पड़ेगा उसे। देखो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपने आप सामने आ जाओ, समझे? ये बताओ, तुम लोगों को कितनी जोड़ी यूनिफॉर्म मिली? सर दो जोड़ी यूनिफॉर्म। जाओ अभी इसी वक्त दूसरी जोड़ी यूनिफॉर्म लेकर जाओ, जल्दी। के भाग गया मुझे, अब फोन भी नहीं उठा रहा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों? किससे बात कर रहा था फोन पे? मुझे माफ कर दो सर, मुझसे गलती हुई। गलती हो गई तुझसे, तूने अपनी यूनिफॉर्म दी थी ना विजय को, कि उसे पहन के निकल सके यहाँ से। तुम्हारे सिक्योरिटी वाले कपड़े पहनकर भागा ना वो यहाँ से। हाँ सर, इस काम के लिए उस आदमी ने हमें बहुत पैसे दिए थे, मैं लालच में आ गया था सर, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। कौन है वो? किसने दिए थे पैसे? मनोज, उसका नाम मनोज था सर। मनोज? मनोज के घर का पता दो हमें, अरेस्ट करो इसे। देखते हैं शायद मनोज अंदर ही हो।
गला काट के मारा गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जेल में अमित को मारा गया था। खून भी ताजा है, लगता है कुछ घंटों पहले ही मौत हुई। लाइट का स्विच कहाँ है? ये है खूनी का हथियार, चम्मच को धार दे के चाकू जैसा बना दिया है और फिर इससे गला काट दिया। शायद अमित को भी ऐसे ही मार गया है। सर मतलब इस विजय ने ही मनोज का भी खून किया है? और सर इस मनोज ने ही तो विजय को जेल से भागने में मदद की थी। अगर गार्ड की बात माने तो ये तो थी, विजय जेल से भाग के यहाँ आया मनोज से मिलने और फिर इसका ही खून करके भाग गया। मगर सर जेल से भागने के बाद कहीं छुपने के बजाय वो इस आदमी के पास आ गया जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की और वो इसी को मारकर भाग गया, ऐसा क्यों? शायद कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता। काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो, कोई भी उंगलियों के निशान मिले उठा लो। विजय और मनोज की फोटोग्राफ्स। सर इन पिक्चर्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, सर शायद ये दोस्त थे। अजीब बात है, फोटो से तो अच्छे दोस्त दिख रहे हैं, फिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का खून कर दिया, क्यों? कोई ना कोई बड़ी वजह तो होगी। ये है वो वजह। सर ये तो किसी बिल्डिंग का प्लान लगता है। ब्लूप्रिंट है किसी बिल्डिंग का, शायद विजय का अगला निशाना यही है। जल्दी से जल्दी हमें ये जगह ढूंढनी होगी। अच्छा जरा दूसरा नक्शा देना। तो बिल्कुल जेल का है ही नहीं, बिल्कुल ही अलग है। तो फिर सर ये नक्शा कहाँ का हो सकता है? सर मुझे लगता है ये विजय जिस जगह को अपना अगला निशाना बनाना चाहता है ये नक्शा वहाँ का होगा। सर शायद इस जगह पे वो चोरी करने वाला होगा। यहाँ का भी नक्शा है, इसकी दीवारें काफी ऊंची, करीब 40 फीट की, और ये दो जगह ये यहाँ और यहाँ काफी सिक्योरिटी है। हाँ सर, सर देखने से ये घर का नक्शा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई किला हो सर। हाँ सचिन, ये बिल्डिंग में दो फ्लोर हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे यहाँ पे ये बड़ा सा हॉल है, दरवाजे स्टील के हैं, इतना सब बनाया हुआ है, एक एक चीज बहुत बारीकी से बनाई गई है। सर इस विजय ने कोई बड़ी प्लानिंग की है सर, कोई बड़ी स्कीम, शायद कोई बड़ा हाथ मारने वाला होगा सर। ये उसका अगला निशाना ही है, कोई बैंक या फिर म्यूजियम भी हो सकता है। सचिन एक काम करो, इस नक्शे की कॉपी बनाकर शहर में जितने भी म्यूजियम और बैंक हैं सब में भेज दो, पता चल जाएगा किस जगह का नक्शा है। सर मनोज के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसके रिपोर्ट्स आ गए। इस तेज धार वाले चम्मच पर जिससे मनोज का खून किया गया था और घर पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब पर विजय के ही उंगलियों का निशान। विजय के ही तो इसका मतलब है खून
विजय ने। विजय ने अपने दोस्त का खून क्यों किया? तो दोनों पुराने दोस्त थे और पुराने मुजरिम थे, एक साथ मिलकर काफी चोरियां की, कम से कम 7 चोरी तो की। ये 2 साल पहले उनकी दोस्ती टूट गई थी। हाँ। क्यों? सर, शहर के एक बड़े बैंक में डाका डालने गए थे, उसके बाद दोनों के दोनों इंडिया छोड़ के मैक्सिको जाने वाले थे। जिस समय ये लोग लूट रहे थे तो मनोज के हाथ में जो टिकट्स थे बाहर जाने के, वही गिर गए, दोनों फंस गए। अच्छा, और उसके बाद सर विजय ने कभी मनोज के साथ काम किया ही नहीं। पर सर, पूरे 2 साल बाद क्यों मारा उसने मनोज? तो शायद इस नक्शे की वजह से खून किया होगा। सर, एक जगह का नक्शा है जो उस ब्लूप्रिंट से बिल्कुल मैच करता है सर। अच्छा, कौन सी जगह है? वो एक म्यूजियम है सर, जहाँ पे बहुत पुरानी चीजें रखी हुई, और चीजें इतनी पुरानी हैं कि उसकी सही कीमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है सर। और ये चीजें लगभग करोड़ों की होंगी सर। और एक बात और, वहां 3 दिन पहले अभी चोरी हुई। वहां 3 दिन पहले चोरी हुई है? चल के देखना ही चाहिए जगह। हम लोग सीआईडी से। हेलो सर, आई एम नेहा, इस म्यूजियम की मैनेजर। सर, मैं विक्रम, यहाँ की सिक्योरिटी देखता हूँ। देखिए, हुआ कुछ ऐसा है कि एक खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गया, और उसके दोस्त के घर से हमें इस म्यूजियम का नक्शा मिला है। उस नक्शे में साफ साफ दिखाया गया कि कौन सी चीज कहाँ पे है। जो चोरी यहाँ पे हुई है शायद उसी ने की है। आप जरा हमें वहां लेके चलिए जहाँ पे ये चोरी हुई। जी सर, आइए आइए। सामान चोर छोड़ के चले गए हैं। वो जो कुछ ले गए हैं वो ही इतना है कि ये सब उठाने के लिए उनके पास जगह ही नहीं बची होगी। बहुत कीमती सामान था क्या अंदर? जी हाँ सर, पुराने जमाने के सोने चांदी और हीरो के कीमती जेवरात थे, मोहनजोदारो के टाइम के सिक्के थे, उनकी कीमत तो लगाई नहीं जा सकती सर, 5000 साल पुराने थे। चोर यहाँ अंदर उसे कैसे? सर, अभी तक यही समझ नहीं आया कि सर वो लोग अंदर कैसे आए, जबकि ना कोई दरवाजा टूटा है ना कोई खिड़की, पता नहीं कहां से आए और किधर से गए। ये क्या, जो कैमरा लगा है ये सब बंद है क्या? नहीं सर, ये सब चल रहा है सर, मगर उन लोगों ने सर इस कैमरे के सामने इस जगह की एक फोटो रख दी, और कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड लोग यहाँ क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। पर या तो ये इंफ्रारेड सेंसर्स भी लगे हुए हैं। जी सर, इसे अलार्म एक्टिवेट होता है ना? जी, तो फिर अलार्म बजा क्यों? पता नहीं सर क्यों नहीं बजा। ये सेंसर्स काम तो कर रहे हैं। जी सर। तो बड़ी अजीब बात है, इस सेंसर से लड़कियों के ड्यूरेंट की खुशबू है। खुशबू आ तो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनकी गैंग में कोई लड़की भी शामिल है? हो सकता है, सेंसर पे डीओ मार दिया, सेंसर ने काम करना ही बंद कर दिया। अच्छा दिमाग लगाया। ये चोर को ज्यादा ही पढ़े लिखे लगते हैं। सर, इस तिजोरी को खोलना इतना आसान काम नहीं है। इस तिजोरी के ताले को खोलने के लिए पूरे 20 नंबर का कोड लगता है। पता नहीं कैसे उन लोगों को इसका कोड पता चल गया। जी, ये जो छेद दिख रहा है दीवार में, ये पहले से ऐसी है? नो सर, मैंने तो पहले कभी इसको देखा भी नहीं। चोरों ने ये कैमरा यहाँ पे फिट कर दिया होगा। जब किसी ने ये तिजोरी खोली, पासवर्ड
इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, आसानी से तिजोरी खोल ली। यहाँ जी, जब यहाँ पे चोरी हुई थी आप लोगों के अलावा इस वॉल्ट रूम में कोई और गया था? यस सर, इस कमरे का एसी खराब हो गया था, उसे ठीक करने के लिए लोग आए थे। एसी खराब हो गया? आपके पास ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी वगैरह? जी सर। चलाइए जी। विवेक, चेक करो इसका वेंटिलेटर। नीचे वाला ग्रिल ठीक से बिठाया नहीं है। ये देखिए, ये जो एसी का वेंटिलेटर है ये कहां पे जाके खुलता है? एसी का सेंट्रल प्लांट तो बिल्कुल ठीक है, पर कहीं ना कहीं तो डक्ट खुला ही होना चाहिए। ये रास्ता यहां पे खुला, यहां से गए हैं वो लोग अंदर। अभिजीत, इस दीवार की ऊंचाई कम से कम 20 फीट तो होगी, और इतनी ऊंचाई से छलांग लगा के अंदर आना या बाहर जाना जरा मुश्किल लगता है। बाहर से नहीं आया तो फिर कहां से आया? कहीं ना कहीं से तो आया होगा। दीवार के उस तरफ इतने सारे गार्ड्स हैं कि उनके नजर से बच के निकलना तो और भी मुश्किल लगता है। बस फिर गुस्से कहां से? हम सोच रहे थे कि कूद के कहां से गया वो, मगर वो तो दुबक के निकला है। ये देखो, ऐसा लगता है कि वो इस ड्रेनेज में से बाहर निकल गया। सर, जो लोग एसी ठीक करने आए थे मैं उनके नंबर लगा रही हूँ, लेकिन उनमें से किसी का नंबर नहीं मिल रहा है। फोन लगेगा भी नहीं नया जी, क्योंकि वो लोग सब लोग नकली थे। एसी से उनका कुछ भी लेना देना नहीं, लोग शायद विजय और उसके साथी थे। वो लोग अपना छोटा सा कैमरा लगा के चले गए और फिर दोबारा आके चोरी करके निकल गए इस ड्रेनेज में से। एक काम करते हैं, इस ड्रेनेज का नक्शा मंगवा लेते हैं, देखते हैं ये ड्रेनेज कहाँ कहाँ खुलता है। दशा, ये चोर बड़ा शातिर है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद आसानी से चोरी करके निकल गए। और चोरी में ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है जो आसानी से नहीं मिलती, दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती है। दशा, ये मैप, ये म्यूजियम का मैप, ये तो हमें मनोज के घर से मिला था। इसका मतलब है कि विजय से चोरी किसी और ने की। पर सर, 3 दिन पहले इस म्यूजियम में इतनी बड़ी चोरी करने के बाद एक फार्म हाउस में एक छोटी सी चोरी करने गया हो, क्यों? उसका दिमाग खराब है क्या? हाँ, फार्म हाउस में चोरी करने जैसा कुछ था भी नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा अलग। अच्छा, बिल्डिंग के पाइपलाइन का जो नक्शा है जरा देना था। गार्डन से पाइपलाइन शुरू होती है और 4 अलग अलग दिशा में जाती है। चारों तरफ सर बिल्डिंग और ऑफिसेज भी है। तो कहीं इन बिल्डिंग और ऑफिसेज में सिक्योरिटी सिस्टम कैमरा तो नहीं लगे? शायद उनकी रिकॉर्डिंग हमारे काम आ जाए। कैमरे तो लगे। दो बातें, बिल्डिंग्स और ऑफिसेज में जाकर पता लगाओ इस सिक्योरिटी सिस्टम कैमरा और रिकॉर्डिंग्स के बारे में, और शहर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं सब में जाकर के पूछताछ करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ये जो चोरी में इस्तेमाल किया गया सामान है किस दुकान से खरीदा गया। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस सर। हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। श्योर सर, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, आपको जैसा कैमरा चाहिए वैसा कैमरा मिलेगा यहाँ पे। नहीं, हमें कैमरा नहीं चाहिए। फिर देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये बताइए कि आपके यहाँ वो छोटे छोटे कैमरास मिलते हैं जिसमें ट्रांसमीटर फिट होता है जिसके थ्रू आप फोटोज बाहर भेजते हैं? एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे कैमरास। अरे, ये कैमरा ये आप कैसे खरीदा गया? ये कैमरा हमारे यहाँ से खरीदा गया है। अब सीआईडी वाले भी हमारे यहाँ से कैमरा लेने लगे हैं। जी नहीं, सीआईडी नहीं,
बल्कि इस कैमरे का इस्तेमाल एक चोर ने किया है। चोर? वो चोर था? ज्यादा वो कौन था? हाँ हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मुझे बिल्कुल याद है। ऐसा क्या अजीब था? अजीब नहीं सर, वो हमारे यहाँ आया था, उसने दुनिया का सबसे छोटा कैमरा मांगा था। ये कैमरा काफी महंगा आता है सर, वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था, तो मैंने उसे बाहर से मंगवा कर दे दिया सर। वो आदमी दिखता कैसा था? जी वो सर, उसके भूरे रंग की दाढ़ी थी और भूरे बाल थे, और वो हमारे यहाँ 3 बार आया था और हमेशा चेहरे पे काला चश्मा लगाया करता था। भूरी दाढ़ी और भूरे बाल, इसका मतलब वो चेहरा बदल गया है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें और कुछ याद है, क्या देखा था? हाँ सर, एक चीज थी, उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था। हाथ पे टैटू? किस चीज का टैटू? मेरे ख्याल से ड्रैगन का था। अच्छा आप एक काम कीजिए, हमारा ये फोन नंबर रखिए अपने पास, और ये आदमी अगर दोबारा आपके यहाँ आता है तो मैं तुरंत फोन करूँगा। जी सर, जरूर करूँगा। ये अच्छा, वो चारों रिलीफ की सिक्योरिटी सिस्टम कैमरास का फुटेज मिल गया? हाँ सर, चारों तरफ 14 कैमरास लगा गए थे, उन सबकी रिकॉर्डिंग्स मिल गई। 14 कैमरा? क्या हुआ आपसे, कुछ मिला क्या? सर कुछ तो मिला है, ये देखिए। एक मिनट अभी जर पॉज करके रिवाइंड करो। ये वैन इतनी देर से यहां पर खड़ी, बिल्कुल उसके नीचे ये ड्रेनेज कट कर रहा है, इसका मतलब है चोर यहीं से भागा है। यहां से निकलकर वो सीधे वैन में बैठ के फरार हो गया सर, आसपास किसी को वो पता भी नहीं चला होगा। वैन का नंबर तो दिख रहा है, इससे मालिक तक पहुंचा जा सकता है। कुछ भी हो सकता है। जी कहिए। मिस्टर विकास जी, आपकी वैन का नंबर MS20119 है। जी हाँ, आप कौन? हम लोग CID से, चोरी के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। CID? चोरी? 3 दिन पहले एक चोरी हुई थी, इसमें आपकी वैन का इस्तेमाल किया गया। सर ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा किसी भी चोरी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, चोरी से नहीं तो कम से कम चोरों से तो होगा है? नहीं सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ 4 दिन पहले मेरी वैन चोरी हुई थी, वो भी मेरे घर से। 4 दिन पहले गाड़ी चोरी हो गई, किस टाइम की बात है? उस वक्त करीबन रात के 8 बजे। तुमने गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट तो लिखवाई होगी, जरा वो रिपोर्ट दिखाना। नहीं, रिपोर्ट तो मैंने नहीं लिखवाई। क्या गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई? क्यों, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी गाड़ी किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है? रिपोर्ट तो लिखवानी चाहिए थी। वो एक्चुअली गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर्स नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सोचा रिपोर्ट लिखवा के क्या फायदा होगा, ना तो गाड़ी मिलती ना कोई पैसे मिलते। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हें गाड़ी वापस नहीं मिलती? कोई चांस ही नहीं था मैडम, हमारी पुलिस तो। अच्छा, गलती तुम्हारी और उसमें भी दोषी हम हैं? सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। ये जो लोग तुम्हारी गाड़ी लेके गए उनको देखा था तुमने? जी नहीं, किसी को नहीं देखता। कुछ तो देखा होगा। नहीं सर, मेरे नाक के नीचे से मेरी वैन भी चोरी करके ले गए और यहाँ कचरा भी फेंक गए। कचरा? कैसा कचरा? वो जाते जाते कुछ खाने के रैपर्स, नैपकिन्स, ये सारी चीजें यहाँ फेंक गए। तो वो सब कहाँ है, कहीं तुमने भी तो नहीं फेंक दिया? नहीं सर, वो पीछे कचरे के डब्बे में मैंने डाल दिया। जी आइए सर। सर ये पीली वाली प्लास्टिक देखो सर।
सर ये देखिए बिल। टिकोलो बर्गर मलाट। चलो देखते हैं किसने खाया ये बर्गर। हेलो सर, मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? देखिए ऑर्डर छोड़िए, हमें कुछ और काम है। हम लोग यहाँ खाने नहीं आए। क्या काम है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? इस बिल को देखिए। हम उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने ये ऑर्डर दिया था। ये बिल 4 दिन पुराना है। 4 दिन पहले का ऑर्डर? सर यहाँ पर तो इतने कस्टमर आते हैं, हर एक को याद रखना बहुत मुश्किल है। आपके यहाँ कैमरा लगा, इसकी फुटेज देख सकते हैं? इसे पता चल जाएगा कौन आया कौन गया। हाँ सर, पर वो आदमी शायद आपको कैमरा में नहीं दिखाई देगा। कैमरे पे आदमी नहीं दिखेगा क्यों? ये कैमरे बंद करके रखे हैं क्या? नहीं सर, कैमरा तो 24 घंटे चालू है, पर ये जो बिल आप लाए हैं वो फोन पर दिए हुए ऑर्डर का है। मतलब किसी ने घर बैठ कर ये ऑर्डर दिया हुआ है। होम डिलीवरी है? फिर तो आपने ये ऑर्डर कहाँ भेजा आपको मालूम होगा। एड्रेस वेड्रेस तो रखते ही होंगे ना? हाँ सर, एड्रेस तो लिखा होगा, क्योंकि इस पर जो कोड है वो हमारे रेगुलर कस्टमर का है। मैं अभी चेक करके बताता हूँ। हाँ सर, 303 मार्श विला अपार्टमेंट, 2nd क्रॉस लेन, कांदिवली। बर्गर खा के गाड़ी चलाई इसने, देखें आप क्या कर रहा है। सर ये वही जगह उस बर्गर वाले ने बताई थी। हल्ला लग रहा है। अब क्या लगता है? हमारे आने का पता चल गया होगा। फुट दो दरवाजा। घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छानो, जल्दी। खून पे खून किया जा रहा है। सर इसका गला देख रहे हैं? इसे भी उसी तरीके से मारा गया जैसे अमित को मारा गया था। जी हाँ सर, ये कोई विजय के गैंग का आदमी होगा सर। हो सकता है। देखो देखो अच्छी तरह से देखो, और कुछ मिलता है क्या? देखिए सर, एंटिक गैलरी का सीवेज प्लान। एंटिक गैलरी का सीवेज प्लान? ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं,
पहुंचे हुए लोग हैं। बिल्डिंग में कहां से घुसना है, कैसे भागना है, सबका नक्शा बनाया है। हो सकते सर? तो किसके हो सकते हैं ये तो अब सारूं ही बताएगा। तो लाश किसकी हो सकती है? या तो विजय के किसी दोस्त की या फिर उसके गैंग के किसी दुश्मन की। मगर सर हमें उस घर में जो फाइल मिली है उसमें जो उंगलियों के निशान है ऐसे किसी के फिंगरप्रिंट्स को ये संभाल के क्यों रखे? एक बार ये पता चल जाए कि वो उंगलियों के निशान है किसके तो वो भी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा नहीं अभिजीत, पता चल गया। पता चल गया, पता चल गया किसकी उंगलियों के निशान। हाँ। किसके? विजय की उंगलियों के निशान। विजय की उंगलियों के निशान, जो विजय की उंगलियों के निशान संभाल कर रखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और उसकी उंगलियों के निशान का इस्तेमाल कर रहा हो अपने फायदे के? शायद इसलिए घर के कोने कोने में विजय की उंगलियों के निशान मिल रहे थे। हाँ सर, वरना इतना शातिर चोर सब जगह पे अपनी उंगलियों के निशान छोड़ने की गलती क्यों करेगा? मतलब ये खून विजय ने नहीं किया, किसी और ने खून किया और विजय को फंसा। ये तो विजय खुद बता सकता है या फिर विजय के गैंग का कोई आदमी। संख्या मुझे हमें लाश मिली थी उसके बारे में क्या पता है? बस मैंने वो लाश अच्छी तरह से चेक की है, मुझे उसकी उंगलियों में लकड़ी का बुरादा मिला सॉडस्ट और उसके हाथ और पैर पर काटने के निशान सके तेज धार वाली आरी से धीरे धीरे काटने से बनते। बस मुझे लगता है यह आदमी कोई कारपेंटर रहा हो। कारपेंटर? सर कारपेंटर का चोरों से क्या लेना देना? हो सकता है इस कारपेंटर को विजय के प्लान के बारे में पता चल गया इसलिए मारा गया। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर पहले हमें इस कारपेंटर की पहचान ढूंढनी चाहिए। इस कारपेंटर के फोटोग्राफ छपवा दो पेपर्स में, कोई ना कोई तो पहचान है इसे। सर यही वो दुकान है जहां से फोन आया था। फोन किसने किया था? सर पिंटू नाम के एक आदमी है, वो उसी कारपेंटर के साथ काम करने वाला आदमी। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। पिंटू साहब, आप ही ने पेपर में ऐड दिया था सर, फोटो मेरे साहब की है, रवि साहब इस दुकान के मालिक हैं सर। जरा ये फोटो देखो, इस आदमी को देखा है यहाँ पे पहले कभी? ये तो विजय साहब, रवि साहब के दोस्त। और साहब क्या बात है, मेरे रवि साहब ठीक तो है ना? अभी तक दुकान पर भी नहीं आए। देखो तुम्हारे रवि साहब का फोन हो गया। क्या लाश हमें उनके घर पे? रवि साहब का खून हो गया? उन्हें कोई क्यों मारेगा साहब? हम भी वही पता लगा रहे हैं, ये या तो उनके किसी दुश्मन का या फिर दोस्त का काम हो सकता है जो उनकी जान के पीछे पड़ा था। आपका मतलब विजय साहब, विजय साहब ने मारा रवि साहब को? हो सकता है। तो ये बताओ ये विजय कब आया था तुम्हारे पास? 3 दिन पहले आए थे साहब, पीछे वाले कमरे में बैठ कर बातें कर रहे थे दोनों। पीछे वाले कमरे में? तुमने सुना क्या बात कर रहे थे? किसी बात को लेकर झगड़ा तो नहीं कर रहे थे? नहीं मेम साहब, मैं तो यहाँ बैठकर काम कर रहा था और अंदर क्या बातें हो रही थी मुझे नहीं पता मेम साहब, एक टेबल की डिलीवरी करनी थी इसी का काम कर रहा था मैं। और ये विजय ये कब तक था यहाँ? वो तो कुछ देर में चले गए, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। रवि सर भी कुछ जल्दी में थे, वो टेबल फार्म हाउस पहुँचाना था ना, और देर भी हो रही थी। फार्म हाउस पहुँचाना था? कौन कौन सा फार्म हाउस था? एक मिनट साहब, अभी फार्म हाउस का पता ला के देता हूँ। Gracias.
My God. ये तो वही फार्म हाउस है जहाँ पे चोरी हुई थी। सर हो ना हो इस विजय का और इस फार्म हाउस का कोई ना कोई संबंध जरूर। अगर वो वहाँ पर चोरी करने ना भी गया हो तो इसका जवाब तो उस फार्म हाउस पे जाके ही मिलेगा। कमरे को काफी दिनों से खोला नहीं गया है। विजय इसी कमरे में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। तो ये जो कारपेंटर है रवि, उसका जरूर कोई ना कोई लेना देना है इस। जिस दिन उसने वो टेबल यहाँ पे डिलीवर किया था सर, उसके अगले दिन ही विजय यहाँ से पकड़ा गया। जिस टेबल की तुम बात कर रहे हो ये वही है। ये टेबल यहां से खोखला है। इस टेबल में ऐसी कोई चीज छुपा के रखी है जिसे निकालने के लिए भी जाया था। इसे तोड़ देते हैं। वेलकम लिफ्टर विजय, तुम्हारा खेल समाप्त हो गया। सीआईडी? सीआईडी असाइलम से वापस फार्म हाउस तक आते आते थक गए क्यों? सर, वो मुझे फंसाया जा रहा है सर, हर चीज में वो मुझे फंसा रहा है सर। सच क्या है बोलो। सर मुझे ये सब करने के लिए पैसे दिए गए हैं सर। जैसे ही मैंने मूर्तियों को गैलरी से चुराया मुझे पता चला कि वो लोग मुझे जान से मारने वाले थे सर, इसीलिए मैंने कारपेंटर रवि की मदद ली और इन मूर्तियों को टेबल के अंदर छुपा लिया। हाँ सर, मैं इन मूर्तियों को छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। मुझे लगा किसी को यहाँ शक ही नहीं पड़ेगा, फार्म हाउस की टेबल पर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं इन मूर्तियों को यहाँ से ले जाऊंगा। जब तुम नहीं मिले तो उन्होंने तुम्हारे दोस्त रवि का खून कर दिया। सर, सर, सर रवि का खून हो गया? हाँ। तुम्हें मूर्तियों को चुराने के लिए किसने बोला? कहीं गिरीश वो इंटरनेशनल स्मगलर तो नहीं? हाँ सर, सर, सर वही सर, गिरीश। सर अब क्या होगा सर? तुम गिरीश को फोन करो और उसे बोलो कि ये सब मूर्तियां उसके हवाले करना चाहते हैं। जरा ध्यान रखना है इस विजय पे, चिपक कर रहना उसके साथ। यस सर। उसने धक्का मारा वो गिरीश सुनी है? नहीं सर। अगर वो दिखाई दे या किसी भी शक हो तो पहले हमें बताना। मैंने उसे इसी प्लेटफॉर्म की तरफ आते हुए देखा सर। लेकिन गया कहाँ? अभिजीत
पूरा एक्शन और ड्रामा, बाकी की फिल्म जेल में बनाना। बची हुई जिंदगी तुम लोगों को जेल में बिताना पड़ेगा, समझे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.